इस वीडियो के जरिए हम आपसे शेयर करेंगे कि रिटेल सॉफ्टवेयर को यूज करके आप बारकोड लेबल्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं। बारकोड लेबल्स प्रिंट करने के लिए मास्टर्स मेन्यू में प्रिंट बारकोड लेबल्स पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर बारकोड प्रिंट करने की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास बारकोड लेबल प्रिंट करने की काफी ऑप्शंस हैं। अगर आप अपने ओपनिंग स्टॉक के मुताबिक बारकोड लेबल्स प्रिंट करना चाहते हैं तो आप चूज करेंगे एज पर ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ आपके पास आइटम मास्टर में डाले गए ओपनिंग स्टॉक के मुताबिक सारी आइटम्स और आर्टिकल्स आ जाएंगे। अगर आप अपनी डेली की परचेज एंट्री के मुताबिक स्टॉक आइटम्स के बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से चूज करेंगे परचेज आइटम्स रिकॉर्ड की ऑप्शन। ऐसे ही अगर आप अपने करंट अवेलेबल स्टॉक का बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप अवेलेबल स्टॉक बैलेंस को चूज करेंगे तो आपके पास अवेलेबल स्टॉक के सारे आर्टिकल्स लिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर इस लिस्ट में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन कौन सी पर्टिकुलर आइटम्स का या आर्टिकल्स का बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं। जिस जिस आइटम का बारकोड आपने प्रिंट करना है उसे टिक करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पर ही आप देखेंगे कि हमने एक ऑप्शन और भी दी हुई है कि आप क्वांटिटी भी ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने बारकोड प्रिंटिंग के टाइम पर डिसाइड किया कि इसकी कितनी क्वांटिटी प्रिंट करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक माय रेट का कॉलम भी है। कुछ कंपनीज की डिमांड रहती है कि उन्हें कोई स्पेशल रेट बारकोड लेबल में प्रिंट करना है तो वो भी आप इस कॉलम में ऑन द स्पॉट ही लिख सकते हैं जस्ट फॉर प्रिंटिंग पर्पस। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने बारकोड प्रिंटिंग के तीन फॉर्मेट इसमें दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पार्टीज कहती हैं कि मेरे पास अलग अलग तरह की बारकोड शीट्स हैं। मैं एक छोटा बारकोड प्रिंट करना चाहता हूँ और एक बड़ा बारकोड प्रिंट करना चाहता हूँ। छोटे साइज में एक A4 की शीट में 60 बारकोड प्रिंट होते हैं जबकि बड़े साइज वाले एक ही शीट में 20 बारकोड प्रिंट होते हैं। तो आपके पास यहाँ पर तीन तरह के बारकोड लेबल्स प्रिंट करने की सुविधा है जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। लीजिए अब हम फर्स्ट बारकोड को प्रिंट करके देखते हैं। यह एक डिजाइन है। अभी हम सेकंड बारकोड प्रिंट करके देखते हैं। मींस आप कैसे भी डिजाइन अपने मुताबिक बना सकते हैं, कैसे भी फॉन्ट ले सकते हैं, कोई भी लेबल का साइज चूज कर सकते हैं। आपको एक ही शीट में 50 बारकोड चाहिए, 60 बारकोड चाहिए या 20 बारकोड चाहिए। जैसी आपकी बारकोड की शीट है वैसा ही आप स्टिकर का साइज इसमें सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। लीजिए अभी हम थर्ड बारकोड देखते हैं। स्टिकर में आपने कोई भी लोगो लगाना हो, कोई भी फॉन्ट चूज करना हो, लाइंस, बॉर्डर, कलर, कैसा भी डिजाइन आप अपने मुताबिक बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि बारकोड स्टिकर आप अपने लेजर प्रिंटर पर भी निकाल सकते हैं और स्पेशल बारकोड प्रिंटर से भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेजर प्रिंटर तो मोस्टली सभी पार्टीज के पास होता ही है तो हम यहाँ पर आपको सजेस्ट करेंगे कि स्टार्टिंग में उसी लेजर प्रिंटर को यूज करके आप अपने बारकोड स्टिकर निकाल लीजिए। बिकॉज हमारा मोटिव है कि आपका मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम बेनिफिट हो। जैसे ही आपने एक बार अपने लेजर प्रिंटर के थ्रू बारकोड प्रिंट करके अपना सारा काम कंप्यूटराइज कर लिया, आपकी बिलिंग भी बारकोड स्कैनर से काफी इंप्रेसिव हो गई। अभी आप चाहते हैं कि हमने अच्छी क्वालिटी के बारकोड प्रिंट करने हैं, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना,
तो आप मार्केट से स्पेशल बारकोड प्रिंटर परचेज करके उस पर अपने बारकोड प्रिंट कर सकते हैं। इस विषय में आप अपने हार्डवेयर वेंडर या सॉफ्टवेयर वेंडर की राय भी ले सकते हैं। इसी स्क्रीन पर हमने एक और ऑप्शन भी दी हुई है। जैसे कुछ पार्टीज कहती हैं कि हमने बारकोड शीट के पहले 5 स्टिकर यूज कर लिए, अभी जब हम बारकोड स्टिकर प्रिंट कर लें, हमारी प्रिंटिंग छठे बारकोड से स्टार्ट होनी चाहिए। मींस शीट में जो पहले 5 बारकोड हैं वो खाली आने चाहिए और बारकोड की प्रिंटिंग 6 पोजीशन से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ बारकोड्स टू कीप ब्लैंक इस बॉक्स में लिख देंगे 5। तो अभी जब हम इसका प्रिंट आउट देखेंगे तो पाएंगे कि इसने पहले 5 बारकोड खाली छोड़ दिए हैं और 6 पोजीशन से बारकोड प्रिंट करना शुरू किया। मींस वेरी इंटेलिजेंटली ये सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि कहां पर बारकोड प्रिंट होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।